दो का दूसरा सवाल, दो नंबर का दूसरा, ये प्रश्नावली 2.2 है एनसीईआरटी का गणित। इसमें देखो चूंकि शून्यकों का योग दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का मान है रूट टू, उसी तरह से फिर शून्यकों का गुणनफल भी दिया गया, अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 1/√3। ये क्वेश्चन दिया गया, यानी शून्यकों का योग रूट टू है, गुणनफल जो 1/√3 है, तो इससे पहले भी जो बनाए थे उसी पैटर्न पर ये भी बनेगा। तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, 2 बहुपद बराबर सूत्र होता है x²-α+β(x)+α(β)=0। ये सूत्र होता है। अब यहाँ योग दिया ही है, हमको तो जोड़ने का टेंशन खत्म हो गया, और गुणनफल गुना करना भी नहीं है, डायरेक्ट इस पर मान बैठा देना बस हो गया। या x²- इसका वैल्यू क्या दिया गया है, √2 दिया गया, तो √2 गुना में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दे है 1/3 बराबर क्या है 0। यहाँ भी ये बट्टा में और ये दोनों बट्टा में नहीं है, तो इसको भी सिंपल रूप में लिखेंगे। इसके लिए इसके नीचे हम नहीं पूछते 1, और यहाँ भी क्या करेंगे 1 लिखेंगे। उसके बाद अगला स्टेप में हमें क्या करना है, भिन्न का जोड़ घटाव करना, तो 1 1 3 का लघुत्तम लेने पर क्या आएगा 3 आएगा, और 1 से इस 3 में भाग देंगे 3 गुना एक्स 3x²-, फिर 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 को √2 से गुना करेंगे, तो यहाँ ध्यान देना होगा रूट में 2 है, 3 तो रूट में नहीं ना, तो इसीलिए ये लिखा आएगा 3√2 एक्स। अगर कोई कर देगा 3 × √2 तो गलत हो जाएगा, जब दोनों रूट में रहेगा ना, जैसे यहाँ देखो √2 √3 रहेगा तब √√6 होगा, और यहाँ पर एक ठो रूट में है एक ठो बाहर है, तो ये हो जाएगा 3√2, इस बात पर भी ध्यान देना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है प्लस है तो प्लस देंगे, इस 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा बराबर 0। ये भाग में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, या 3x²-3√2x+1=0 गुना 3। वैसे तो नहीं भी लिखते समझ जाता क्या, फिर भी लिख दिए, ये भाग में इधर आएगा गुना में, और जब गुना होगा 0 से 0 हो जाएगा, इसीलिए 3x²-3√2x+1=0। ये हो गया द्विघात बहुपद। ये प्रश्नावली 2.2 का 2 नंबर क्वेश्चन का 2रा सवाल था, ठीक है।